इसलिए कि वरना ये तलाक की वजह बन जाती है। छठी वजह जो तलाक की होती है वो ये कि शौहर का इंतहा दर्जे लालची और कंजूस होना। और जो आदमी लालच की बुनियाद पे कंजूसी करता है उसको जो है अरबी जबान में जो है शुह कहते हैं। उस फितरत को जो आदमी लालच की बुनियाद पर कंजूसी करता है उसको शुह कहते हैं। तो लालच की बुनियाद पर इंतहाई कंजूस और लालची इंसान ये तलाक की बहुत सारी बार वजह बनती है। इसलिए कि कंजूस आदमी जो लालची और कंजूस होता है वो जो है मुकम्मल नजरे अपने ससुराली मालो दौलत पर गड़ा के रखता है। एक तो कंजूस है, दूसरा लालची है। बीवी को कोई जायज जरूरत है जो आपने बाप से ला लो, कंजूस है तो खर्च नहीं करेंगे, बाप से मंगवाएंगे। शादी के बाद से तुम्हारे बाप ने तो 5,000-5,000 ईदी भेजा अब तक दो ईदों पर, जो कोई तरीका है कि दूसरों की 25,000-25,000 ईदी आ रही, तो कंजूस भी है लालची भी हो चाहता है। अभी शादी तय हुई तो वहीं से छोड़ा है, जोड़ा है, घोड़ा है, रिंग्स है, रसूमात है, कपड़े है, बिस्तर है, दहेज है, और पता नहीं क्या क्या, वहीं से शुरू होता है वो लालच उसका। और ये बहुत सी बार वजह बन जाती है कि इंसान लालची और कंजूस होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और मुस्तद अहमद की रिवायत आपने फरमाया, ला यदखुल जन्नत बकील, जन्नत में कंजूस इंसान दाखिल नहीं होगा। जो बीवियों को या अपने बच्चों को जायज अखराजात भी नहीं देता जिसकी वजह से बीवी परेशान होकर छोड़ दे। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं, और यूं कहा मुस्तद अहमद की रिवायत आपने फरमाया, ला यश्तमेउ शुहु व ईमानु फी क़ल्बी रजुलिन मुस्लिमन अबदा, कि ईमान और शुह एक मोमिन मर्द के दिल में एक साथ जमा नहीं हो सकते मोमिन के अंदर। शुह कहते हैं अरबी जबान में ऐसी कंजूसी को जो लालच की बुनियाद पर हो। और यहाँ लालच का तो क्या हाल है, अभी रिश्ते तय करने से पहले ही फिर दहेज, जोड़ा, घोड़ा, हुंडा, कपड़े और पता नहीं क्या क्या तमाम चीज़ें ली जाती है। और जब ये मुतालबात वो बेचारा लड़की का बाप पूरे नहीं कर पाता है ये क्या करता है, उसको तलाक दे देता है ना। बहुत सी बार तलाक क्यों दी, कि देखो तुमने अभी बोला था तुम्हारे बाप के पास से फला जेवर लाएंगे, अभी नहीं लाए, जाओ तलाक तलाक तलाक, तेरे को जा निकल यहाँ से, अब तक जेवर नहीं लाए। तुम्हारे बाप ने किया ही क्या, हमारे बाप को खाना तो नहीं खिलाया शादी के अंदर, भूखा भेजा उनको, जा तलाक तलाक तलाक, लालची है। अरे क्या जाता अगर नहीं खाना खिलाया तो क्या होता उससे। लेकिन बहरहाल अजीब व गरीब, एक साहब तो वजह बताने लगे, एक तलाक की वजह ये होगी कि बाद में पता चला दूल्हे को कि उसके चचा को बराबर बोटियां नहीं आए थे खाने के अंदर, दूसरों को बाजू वाले को आ रहे थे, इसको नहीं आ रहे थे, बाद में तलाक दिया उसने। अल्लाह रहम करे, क्या हो इस उम्मत को, क्या लालच है ये कि तुम दुनिया से चाहते दुनिया इज्जत करे तुम्हारी। इज्जत तो वह है जो अल्लाह देता है, वो नहीं जो हम दुनिया में जो है मांग मांग के कमाते लोगों से, वो तो भिखारीपन है। तो बहरहाल ये लालची जो होता है, लालची इंसान, कंजूस इंसान, ये वजह बनती है उसकी जो निकाह के तोड़ने की। सातवीं जो है चीज़ जो तलाक की वजह बनती है।